हेलो फ्रेंड्स, हम स्वाति सिंह। हमारा आज का जो टॉपिक है वो पेडागॉजी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको इवैल्यूएट करना है कि बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए, क्यों पढ़ाया जाए, किन टेक्निक से पढ़ाया जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, यानी कि आकलन और मूल्यांकन। आकलन और मूल्यांकन क्या होता है? दोनों एक ही चीज़ है कि दोनों के अंदर हमें इवैल्यूएट करना है। जो लास्ट में हम एक कंक्लूजन निकालते हैं ना किसी भी बच्चे को हम पढ़ा के, आप क्या करते हैं, इवैल्यूएशन क्या है, एक ऐसी चीज़ है, एक प्रोसेस है ऐसा कि आप हमेशा उसका यूज़ करते हैं। ये नहीं कि केवल स्टडीज़ में और एजुकेशन से रिलेटेड आप इसको यूज़ करते हैं, आप इसको अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। डेली लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं? आप घर में कोई भी काम कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहे हो, या कहीं पे भी आप खुद को या जो भी आप काम कर रहे हो उसको इवैल्यूएशन कर रहे हैं। जैसे घर में आपकी मॉम वगैरह खाना बनाती है तो वो उसको इवैल्यूएट करती है, कैसे कि उन्होंने खाना बना लिया पूरा, देन उन्होंने सर्व कर दिया, देन आप जब उस पर एक फीडबैक प्रोवाइड करते हो कि बहुत अच्छा बना है या नमक कम है या कुछ ऐसे, तो वो क्या है, एक फीडबैक देना किसी के ऊपर, वो इवैल्यूएशन होता है कि आपने उसकी खामियां बता दी, आपने उसकी अच्छाइयां बता दी, देन नेक्स्ट टाइम से क्या आपकी मदर ध्यान में रखेगी कि हाँ ये कमी थी तो ये वाली कमी को आप पूरा करना है। ठीक है, वो होता है इवैल्यूएशन। कि किसी भी टॉपिक के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर जब आपके थ्रू या किसी और के थ्रू फीडबैक दिया जाता है या आपको बताया जाता है कि आप में ये कमियां हैं और इसको सुधारिए, इस वे में करिए, तो वो इवैल्यूएशन होता है, यानी कि मूल्यांकन होता है। ठीक है, अब स्टडीज़ में मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन का क्या यूज़ है? देखिए, आप जब क्लासरूम टीचिंग करवाते हो क्लासरूम के अंदर और बच्चे लर्निंग करते हैं, तो बच्चे भी जब तक लर्निंग करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चे ने सीखा नहीं सीखा? आप कुछ क्वेश्चनिंग करोगे, बच्चों को कुछ उसका टेस्ट लोगे या बाकी चीज़ें करोगे तो ही तो आपको पता चलेगा ना कि बच्चे ने जो आपने सिखाया वो सीखा या नहीं सीखा। तो वो क्या हो गया, आपके थ्रू इवैल्यूएट करना हो गया। आपने क्या किया, बच्चे का इवैल्यूएशन किया। कैसे किया? या तो आपने बच्चे से क्लासरूम टीचिंग के अंदर क्वेश्चनिंग करके इवैल्यूएशन कर लिया, या फिर आपने क्या किया, बच्चे का टेस्ट ले लिया, या बच्चे को कोई ऐसी प्रॉब्लम में डाल दिया जिससे बच्चा उससे रिलेटेड अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। तो वो सारी क्या हो गई, आपके थ्रू इवैल्यूएशन हो गई कि मैंने जो पढ़ाया, मैंने जो सिखाया बच्चे को, उसने कितना सीखा या कितना नहीं सीखा। ठीक है, इसको एक बार ही मैं आपको लैंग्वेज में भी समझा देती हूँ जो डेफिनेशन है। आकलन और मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य बच्चों की अभिवृत्ति यानी कि एटीट्यूड, क्षमता यानी कि कैपेबिलिटी, अनुभूति आदि का मापन करती है। मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। मूल्यांकन किसी भी शैक्षिक कार्यक्रम के किसी भी पक्ष के विषय में सूचना एकत्र करना तथा उसका विश्लेषण और व्याख्या करना है। मतलब मूल्यांकन क्या है, जो इवैल्यूएशन है आपका, वो क्या है, एक ब्रॉड एरिया है। उसमें ये नहीं केवल कि आप क्या है, एजुकेशन से रिलेटेड करो, आप एजुकेशन के अलग भी ये टाइप ऑफ इवैल्यूएशन है। आगे पढ़ाऊंगी तो आपको समझाऊंगी डीपली, लेकिन अभी मोटा मोटा समझ लीजिए कि जो इवैल्यूएशन है ये नहीं कि आप एजुकेशन से ही रिलेटेड करो, केवल बच्चे का एकेडमिक रिकॉर्ड ही देखो, उसके अलावा भी आपको बच्चे को इवैल्यूएट कर सकते हो किसी भी रूप में, कि वो फिजिकली कितना फिट है, मेंटली कितना स्ट्रांग है, उसकी रीजनिंग कितनी अच्छी है, उसका लॉजिकल थिंकिंग कितनी अच्छी है। तो इसीलिए इवैल्यूएशन को एक ब्रॉड एरिया माना गया है कि वो सिर्फ एक पॉइंट को मतलब आपके अपने अंदर नहीं रखता कि केवल आपको एजुकेशनल ही देखना है, वो सब ऑल ओवर चीज़ों को अपने अंदर रखता है कि आपको सभी चीज़ों पे क्या है, बच्चे के ध्यान देना है। ठीक है, वो आपका इवैल्यूएशन हो गया कि उसकी जो प्रक्रिया है एक व्यापक रूप लिए हुए है, कि एक ब्रॉड एरिया अपने अंदर लिए हुए है आपका इवैल्यूएशन। ठीक है, देन बोला था कि बच्चे के द्वारा किसी भी प्रकार, मतलब इवैल्यूएशन में क्या करते हो आप, किसी भी रूप में बच्चों के द्वारा आंकड़े एकत्रित करते हो, मतलब डाटा कलेक्शन करते हो, इवैल्यूएशन करते हो, निरीक्षण यानी कि एनालाइज करते हो, और फिर व्याख्या यानी कि एक्सप्लेन करते हो। मतलब फॉर एग्जांपल, आपके क्लास में आपने कोई टॉपिक एक्सप्लेन किया है, कुछ पढ़ाया है बच्चों को, ठीक है, तो आप बच्चों से फिर उसका टेस्ट लेंगे,
फिर आप कलेक्ट डाटा कलेक्ट करेंगे कि कितने बच्चों के कितने कितने मार्क्स आए, सोनम के 5 आए, नीलम के 6 आए, राहुल के 10 आए, ऐसे करके आप डाटा कलेक्ट करोगे। देन उसको एक्सप्लेन करोगे कि इस बच्चे ने 5 मार्क्स गेन किए तो इसकी कहाँ कहाँ कमी थी, ये ज़्यादा अचीव कर सकते हैं नहीं। कुछ बच्चे कई बार ऐसे होते हैं ना कि काफ़ी स्मार्ट होते हैं लेकिन वो एग्ज़ाम में अपने आप को या तो घबरा जाते हैं, हेजिटेशन होती है, या उस टाइम पर वो रिकॉल करने में प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पर क्या है अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, याद नहीं कर पाते हैं चीज़ों को, तो इसीलिए वहाँ पे क्या उनके कम मार्क्स आ जाते हैं। तो आप इस रूप में इवैल्यूएट कर सकते हो कि ये बच्चा तो बहुत स्मार्ट था, इसके मार्क्स क्यों कम आए हैं, तो आप उसको उस वे में इवैल्यूएट करके उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प कर सकते हो कि आपके मार्क्स कम क्यों आए, क्या प्रॉब्लम रही, ठीक है, बच्चे को गाइड कर सकते हो। ओके, तो ये होता है आपका इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन का मतलब समझ आ गया। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ इवैल्यूएशन। अब आपको पता है अगर इवैल्यूएशन हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मानी गई है कि इवैल्यूएशन होना चाहिए कि जिससे हम बच्चे के लिए बेनिफिट ही है और टीचर के लिए भी बेनिफिट है कि हमें पता चलता रहेगा कि बच्चे ने कितना अचीव किया, और ये इसके साथ साथ ये टीचर के लिए भी बेनिफिट है। टीचर के लिए कैसे बेनिफिट है वो मैं अभी आपको आगे बताऊँगी कि उसको अपने मेथड और स्किल की नॉलेज रहती है, ठीक है। तो इसके साथ साथ जब हमने इवैल्यूएशन को रखा है एजुकेशन में तो इसके ऑब्जेक्टिव्स भी होंगे हमारे कुछ सेट किए हुए कि ये वाला प्रोसेस अपने स्टडीज से कनेक्ट किया है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में इवैल्यूएशन का यूज़ करना है, तो उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, कुछ उद्देश्य रहे होंगे ना जिससे हम इवैल्यूएशन को वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव डिस्कस करते हैं। पहला, बच्चों में अपेक्षित व्यवहार और आचरण परिवर्तन की जांच करना, मतलब कि जो बच्चे का बिहेवियर चेंज हो रहा है, बच्चे ने कितना सीखा नहीं सीखा उसको इवैल्यूएट करना, सबसे मेन पॉइंट है। आप इवैल्यूएशन को एजुकेशन में इसलिए यूज़ कर रहे हो ताकि हम ये पता लगा सकें कि जो लर्निंग करवाई गई है टीचिंग के थ्रू बच्चे ने उसमें कितना सीखा, कितना ज्ञान प्राप्त किया या कितना ज्ञान प्राप्त नहीं किया, ठीक है। सेकेंड है, बच्चों के कुशलता योग्यता और आदि का ग्रहण करना, मतलब आपको पता होना चाहिए इवैल्यूएशन के थ्रू हमको इवैल्यूएशन का इस रूप में उपयोग करना है, यूज़ करना है कि आपको पता रहे कि हर बच्चा क्या है, अपने आप में डिफरेंट होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं हर किसी में, ठीक है। तो हर किसी की काम करने की स्पीड भी अलग होगी, नीड भी अलग होगी, तो आपको इवैल्यूएशन के थ्रू ये चीज़ें पता लगानी है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, बच्चे का नीड किस में है, बच्चे की काम करने की क्षमता कैपेबिलिटी कितनी है, वो कितना किस रूप को समझ सकता है, कितना नहीं समझ सकता, उसको कोई मेंटली प्रॉब्लम तो नहीं है, बाकी चीज़ें उसमें कितनी अच्छी है, फिजिकली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बीमार तो नहीं है। कई बार ऐसे होता है कि आप स्टडीज़ करवा रहे हो या लर्निंग करवा रहे हो बच्चे को और बच्चे को टाइफाइड है, फीवर है, तो क्या है वो वीकनेस फील करेगा या अपने फीलिंग लो होगी उसकी, तो वो क्या करेगा, क्लासरूम में इतना एक्टिव नहीं रहेगा कोई भी चीज़ सीखने के लिए। तो आपको इवैल्यूएशन के थ्रू ये भी पता चलता है कि बच्चा फिजिकली फिट है या नहीं, किसकी उसको कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से बच्चा सीख नहीं पा रहा है, उतना एक्टिव नहीं है क्लास में या किसी चीज़ को गेन करने में उसे प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। उसके बाद है उसकी कठिनाइयों का निर्धारण करना व दोषों का पता लगाना। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको बच्चे की प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है इवैल्यूएशन के थ्रू कि उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बीमारी वगैरह तो नहीं है, और उसके बाद अगर उसे किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि लाइक उसे फैक्टर्स नहीं आ रहे हैं, तो फैक्टर्स में उसे क्या चीज़ समझ नहीं आ रही है आपको वो फाइंड आउट करनी है, देन उसको एक्सप्लेन करना है, देन उसका फीडबैक लेना है, री इवैल्यूएशन करना है, तो आपको पता लगेगा कि बच्चे ने कितना अचीव किया कितना अचीव नहीं किया, ठीक है। उसके बाद आता है रेमेडियल टीचिंग देना, सेम कि जब तक आप प्रॉब्लम को फाइंड आउट नहीं करोगे तो आप बच्चे को रेमेडियल भी नहीं कर पाओगे कि आपकी यहाँ पे कमी है आप इसको सॉल्व करिए, या आपको यहाँ पे कमी देखने को मिल रही है तो आप इस चीज़ को ऐसे कीजिए, ठीक है। तो आप कभी भी डॉक्टर के पास भी जाते हो तो वहाँ पे क्या करते हो, डॉक्टर के पास जाते टाइम आप से डॉक्टर क्या पूछते हैं कि बताइए क्या प्रॉब्लम है, पहले डॉक्टर तो सब कुछ नहीं जांचता कि आपका पूरा बॉडी टेस्ट कर दिया, सब कुछ कर दिया, आपको वो रेमेडियल भी तो तभी देते हैं जब आप उसे बताते हो कि ये प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर को आप क्या बताते हैं कि फीवर है, वीकनेस है, वॉमिटिंग हो रही है, ये सब, तो देन वो चेक करता है कि शायद वायरल हो, ये सारी चीज़ों, ब्लड टेस्ट करता है
कि डेंगू वगैरह तो नहीं है, देन वो आपको रेमेडियल देता है, उसी हिसाब से क्या देता है, दवाइयाँ लिख कर देता है कि ये आपका ट्रीटमेंट है, अब आपको ये प्रिकॉशंस यूज़ करने, ये चीज़ें लेनी है, ये चीज़ें नहीं लेनी है, ठीक है। तो ऐसे ही एज अ टीचर क्या करेंगे, आप बच्चों का रेमेडियल करेंगे कि क्लासरूम टीचिंग के बाद आपको बच्चों से पूछना है कि आपको ये चीज़ समझ आ गई हाँ या नहीं। अगर उनको किसी चीज़ में प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है, देन आप उसको फाइंड आउट करेंगे, क्वेश्चनिंग करेंगे, बच्चों का टेस्ट लेंगे, देन उसके बाद क्या करेंगे, उनको रेमेडियल प्रोवाइड करेंगे। आप उनको बताएंगे कि इस चीज़ को, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो इस चीज़ को ऐसे कीजिए, इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसे कीजिए, या फिर अपने किसी मेथड में या स्किल्स में चेंज करके क्या है, उनको शॉर्ट मेथड से या किसी एक्टिविटी मेथड के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद है अध्ययन और अध्यापन दोनों का मापन होता है, मतलब सेम चीज़ मैंने अभी बोला था कि जो आपका इवैल्यूएशन होता है वो केवल स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता है, वो टीचर के लिए भी होता है, क्योंकि टीचर को इवैल्यूएशन के थ्रू ये पता होता है कि उसकी टीचिंग स्किल्स भी कितनी एक्सपर्ट हैं, कि बच्चों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। स्टूडेंट्स को तो अपने लिए बेनिफिट ही है कि आपको स्टूडेंट्स के बारे में पता चलता है, आपको लर्निंग पता चलती है, लेकिन टीचिंग के बारे में भी बेनिफिट हो रहा है आपको इवैल्यूएशन के थ्रू, कि आपको ये चीज़ पता चलती है कि जो आप टीचिंग करा रहे हो वो कितनी इफ़ेक्टिव है, कितनी इंटरेस्टिंग है। कई बार आपने देखा होगा कि क्लासरूम टीचिंग बोरिंग हो जाती है, कैसे, कि टीचर क्या है, सेम प्रोसेस से पढ़ाती है, सेम मेथड से पढ़ाती है। अब क्लास में टीचर गई, उसने बुक खोली और धड़ाधड़ क्या आपको एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया, बुक रटनी शुरू कर दी, बुक पढ़वानी शुरू कर दी, तो उससे क्या है, बच्चे भी रोज़ बोर हो जाते हैं, उनमें इंटरेस्ट नहीं रहता कि ये चीज़ रोज़ होती है क्या पढ़ना। आप भी एक काम को 10 बार रोज़ करोगे तो बोर हो जाओगे ना, तो इसीलिए बच्चों के लिए वहाँ पे उसमें चेंज करना ज़रूरी होता है। तो वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी, डेमोस्ट्रेशन, चार्ट वगैरह का यूज़ करके, टीचिंग एड्स जो होती हैं, टीचिंग आपके ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं उनका यूज़ करके, या फिर बच्चों को बाहर घुमाने के लिए लेके जाने, जैसे लाइक आप हिस्ट्री में ताजमहल और दिल्ली के किसी भी प्लेसेस के बारे में पढ़ा रहे हो, कुतुब मीनार वगैरह के बारे में, तो उनको प्रैक्टिकली वो चीज़ दिखा सकते हो वहाँ पे आउटिंग करवा के, ऐसे चीज़ सारी चीज़ें, तो वो क्या है, जब प्रैक्टिकली उस चीज़ को देखेंगे तो ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, तो क्या उनकी आउटिंग भी हो जाएगी, इंटरेस्ट भी होगी, और टीचिंग से रिलेटेड क्या है आपकी लर्निंग भी करवा दोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि आपको स्टूडेंट की इवैल्यूएशन के साथ साथ खुद का इवैल्यूएशन भी होता है एज अ टीचर, कि आपको कब कहाँ पे अपनी टीचिंग में इंटरेस्ट क्रिएट करना है, इफ़ेक्टिव बनानी है, बच्चे क्यों नहीं सीख रहे हैं, शायद उन्हें बोरिंग लेक्चर्स लग रहे हैं, तो आपको वहाँ पे क्या है, उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ ना कुछ अपने हिसाब से चेंज करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपके प्रयोजन, शिक्षण विधियों और उपयोग, जो हमारा विद्यालय होते हैं, मतलब स्कूल होता है, उसके मैनेजमेंट में भी क्या है, ऑब्जेक्टिव्स गेन करने के लिए हेल्प करता है, क्योंकि एजुकेशन जो प्रोवाइड कराई जा रही है वो स्कूल के थ्रू कराई जा रही है। अब स्कूल का स्ट्रक्चर क्यों किया गया है, स्कूल क्यों बनाया गया है, बच्चे को स्टडीज ही तो करवानी है, पढ़ाई नॉलेज ही तो देनी है, तो घर पर भी दी जा सकती है, लेकिन स्कूल का एक अलग मोटिव ही होगा ना, कि हमने स्कूल स्ट्रक्चर खड़ा किया है और बच्चों को एजुकेशन दी जा रही है, तो इसीलिए ये इवैल्यूएशन क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स गेन करने में भी हेल्प करता है। आपको पता होता है कि वहाँ पे आपको किस हिसाब से बच्चे के लिए टीचिंग लर्निंग करवानी है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन, यानी कि मूल्यांकन की महत्व क्या है, जो मूल्यांकन के महत्व हैं वो क्या क्या है। अब मैंने आपको जैसे ऑब्जेक्टिव्स बताए कि हमारे ये उद्देश्य है, उन सब चीज़ों को अचीव करने के लिए क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, इवैल्यूएशन किया जाता है, वैसे ही आपके क्या है इम्पोर्टेंस है, यानी कि महत्व है कि मूल्यांकन करने के, यानी कि इवैल्यूएशन करने के बच्चों को या कोई भी चीज़ को किन किन चीज़ों के लिए यूज़फुल है, जैसे स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है, टीचर्स के लिए यूज़फुल है, मैनेजमेंट के लिए यूज़फुल है, जो आपके गार्जियन होते हैं, मतलब जो आपके पेरेंट्स और ये सब होते हैं उनके लिए यूज़फुल है, ठीक है। तो उस पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है फॉर अ स्टूडेंट, यानी कि शिक्षार्थी के लिए यूज़फुल है। स्टूडेंट्स के लिए कैसे यूज़फुल है कि स्टूडेंट्स का अगर आप इवैल्यूएशन कर रहे हैं कि आपने 2 की टेबल पढ़ाई या फिर फैक्टर्स पढ़ाए और आपने क्या किया, देन क्वेश्चनिंग करी बच्चों से, तो वहाँ पे क्या होगा, बच्चों को अगर आंसर करने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो सोचेंगे कि यार मेरे को तो आता है, आंसर करने में मुझे क्यों प्रॉब्लम हो रही है, देन उस चीज़ को दोबारा से रिवाइज करेंगे, फिर देखेंगे कि मुझे यहाँ पर कमी महसूस हो रही है या मेरे को यहाँ पर ये चीज़ नहीं आ रही है, देन वो आपसे
क्वेश्चनिंग करेंगे कि मैम मुझे ये चीज़ नहीं आ रही, आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, बच्चे अपने आप में अपना सेल्फ इवेल्युएशन करेंगे कि मुझे कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे नहीं आ रही है। बच्चे अपने लिए इस रूप में भी इवेल्युएशन कर सकते हैं, जैसे स्कूल्स में क्या होते हैं कि आप यूनिट टेस्ट लेते हो, या हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स होते हैं, फिर ईयरली एग्ज़ाम्स होते हैं। तो यूनिट टेस्ट में आपने वन वीक में जितना पढ़ाया है उसका जब यूनिट टेस्ट के थ्रू आप इवेल्युएशन करते हो, तो बच्चे को ये चीज़ पता होती है कि टू चैप्टर्स का मैम ने टेस्ट लिया और टू चैप्टर्स से रिलेटेड मेरे को ये चीज़ें आती हैं, ये नहीं आती, मैंने क्वेश्चन स्किप कर दिए, तो अब मुझे इन पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि हाफ ईयरली एग्ज़ाम होंगे तो अगर ये वाले क्वेश्चन आ गए या ये वाला टॉपिक आ गया तो मुझे क्या होगा, वहाँ पे मार्क्स नहीं मिलेंगे, मैं पीछे रह जाऊँगा, ठीक है। और ऐसे ही जब हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स में आप बच्चों का इवेल्युएशन करते हैं, टेस्ट के थ्रू पेपर लेते हैं, तो उसमें भी बच्चे यही चीज़ करते हैं कि उसके 50 में से 40 मार्क्स आए या 33 आए, बॉर्डर लाइन पर है, तो बच्चा सोचेगा कि कहाँ कमी रह गई, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इन इन टॉपिक्स पे फोकस करना पड़ेगा जो मेरे टॉपिक्स कमज़ोर हैं, क्योंकि वरना अगर ईयरली एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स अचीव नहीं किए तो मैं फेल हो सकता हूँ या परसेंटेज अच्छी नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, बच्चे की भी हेल्प करती है इवेल्युएशन जब आपके थ्रू किया जाता है, कि बच्चे अपने आप को भी क्या है, सेल्फ इवेल्युएट करते हैं कि मेरे लिए कौन से टॉपिक में मुझे कमी महसूस हो रही है, कौन से टॉपिक में मैं अच्छा हूँ, किस टॉपिक पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद आता है फॉर अ टीचर्स, यानी कि शिक्षक के लिए। अब शिक्षक के लिए किस रूप में हो सकता है, देखिए टीचर्स के लिए अगर आप इवेल्युएशन कर रहे हैं, मतलब बच्चों का आपने टेस्ट लिया, इवेल्युएट किया, या मान लीजिए आपने कोई छोटा सा टॉपिक पढ़ा के बच्चों से क्वेश्चनिंग करी और आपको क्लासरूम में दिख रहा है कि ज़्यादा बच्चे इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे हैं, कोई सो रहा है, कोई हेड डाउन करके बैठा है, कोई गपशप कर रहा है, कोई उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, किसी को चौक मार रहा है, कुछ कर रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि मेरे पढ़ाने का तरीका ठीक नहीं है। तो टीचर्स के लिए मेथड्स, स्किल्स, टेक्निक्स और किस चीज़ में यूज़ हो सकता है टीचर्स के लिए, इन सारी चीज़ों में यूज़ हो सकता है कि टीचर्स अपने मेथड को इवेल्युएशन कर सकती है, अपनी स्किल्स और अपनी टेक्निक्स को इवेल्युएट कर सकती है कि उसके द्वारा जो टीचिंग करवाई जा रही है वो इतनी इंटरेस्टिंग है या नहीं है। तो अगर बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, कोई सोया पड़ा है, कोई कहीं और खोया पड़ा है ख्यालों में, तो वो क्या कर सकती है, अपने मेथड्स को चेंज कर सकती है, अपनी स्किल और टेक्निक्स को चेंज कर सकती है कि इस वाले मेथड से बच्चे बोरिंग फील कर रहे हैं या बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, या आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया, मान लीजिए फैक्टर्स ही पढ़ाया है, आपने ब्लैक बोर्ड का यूज़ करके क्या है बच्चों को समझा दिया कि हम फैक्टर्स ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन बच्चों को उससे नहीं समझ आया, या फिर पूरी क्लास में से केवल 10 बच्चों को समझ आया, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, उनको डेली लाइफ प्रॉब्लम्स के थ्रू समझा सकते हैं, कोई छोटा सा एग्जांपल दे सकते हैं कि रीना प्रिया ने ऐसे ऐसे किया, उनके पास इतने नंबर्स थे, इतने रुपये थे, ऐसे करके समझा सकते हैं, मतलब कोई भी एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ब्लैक बोर्ड और इन सब चीज़ों का यूज़ करें, या फिर कुछ इंटरेस्टिंग मूवीज़ टाइप, जैसे आप क्या कर सकते हैं उसमें पिक्चर्स दिखा सकते हैं, फ्लैश कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है, टीचिंग को इंटरेस्टिंग और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो एज अ टीचर आपको भी खुद का इवेल्युएशन होता है कि आपकी टीचिंग में कहाँ कमी आ रही है, कि बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं, कहाँ पे इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा है, कहाँ पे बच्चे एक्टिव नहीं हैं, कहाँ पे आपको मेहनत करनी है, कहाँ पे आपको अपने टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, कहाँ पे किस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, आपकी इवेल्युएशन से इम्प्रूव होती है, ठीक है। तो ये इवेल्युएशन यानी कि फॉर टीचर के लिए भी बहुत अच्छा है। उसके बाद बात करते हैं फॉर स्कूल मैनेजमेंट, यानी कि स्कूल प्रबंधन के लिए इवेल्युएशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट किस लिए दिया गया है, जो स्कूल आपका बनाया गया है उसके अंदर सारी चीज़ें आती हैं।
आपकी लैब्स भी आ गई, आपकी कंप्यूटर लैब भी आ गई, लाइब्रेरी भी आ गई, और आपको जो बाकी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है, कैंटीन्स वगैरह, वो आ गई मैनेजमेंट के अंदर, आपके स्पोर्ट्स क्लब आ गए, ये सारे आपके इको क्लब्स आ गए, आपकी क्लासरूम्स आ गई, और आपकी सुपा या होम साइंस की लैब्स आ गई। तो ये सारी चीज़ें क्या आपकी एक मैनेजमेंट के अंदर आती है, ठीक है। अब मैनेजमेंट किस रूप में इवैल्यूएट करता है, अगर आप बच्चे का इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो बच्चे मैनेजमेंट के लिए भी यूज़फुल है कि मैनेजमेंट को पता होता है कि लाइब्रेरी का कितना यूज़ हो रहा है, बच्चे लाइब्रेरी में बुक्स ले रहे हैं या नहीं ले रहे, तो वहाँ पे इवैल्यूएशन हो गया। क्लब्स का कितना यूज़ हो रहा है, बच्चे एक्टिव है नहीं एक्टिव, या फिर फिजिकली कितने स्ट्रॉन्ग हैं, बच्चे स्पोर्ट्स में पार्ट करते हैं या नहीं करते। ऐसा तो नहीं है ना कि क्लासरूम के अंदर सिर्फ टीचिंग ही करवाई जाती है, बच्चे स्पोर्ट्स में भी पार्ट लेते हैं, डांस में भी पार्ट लेते हैं, सिंगिंग या कोई हमारे एथिक्स प्रोग्राम होते हैं, कल्चर प्रोग्राम होते हैं, उसमें भी पार्ट लेते हैं। तो आप उस रूप में भी इवैल्यूएट करते हो कि बच्चे स्टडीज़ के साथ साथ बाकी अपने एथिक्स और वैल्यूज़ या कल्चर में भी बहुत आगे हैं, फिजिकली भी फिट है कि वो हाई जंप में अच्छे हैं या शूटिंग में अच्छे हैं या फिर स्विमिंग में अच्छे हैं, रनिंग में अच्छे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैनेजमेंट के थ्रू जो इवैल्यूएशन के थ्रू जब बच्चे का इवैल्यूएशन किया जाता है कि बच्चा किस किस चीज़ में एकेडमिक के अलावा भी स्कॉलर में किस किस चीज़ में ज़्यादा अच्छा है, फिजिक्स में और स्पोर्ट्स में इन सब में, तो उससे क्या होता है हमारे मैनेजमेंट का भी इवैल्यूएशन होता है कि बच्चे ने प्रॉपर फैसिलिटीज़ का यूज़ किया है, उसका डिसयूज़ नहीं किया, या फिर काफ़ी ज़्यादा वो एक्टिव है, या बेनिफिट्स दे रहा है इन सब चीज़ों का, या उसके पेरेंट्स भी तारीफ़ कर रहे हैं कि हाँ ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बच्चों में बहुत चेंज देखने को मिल रहा है, या ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इससे क्या होगा आपके स्कूल मैनेजमेंट के लिए भी बेनिफिट होता है कि आप स्कूल मैनेजमेंट को भी इवैल्यूएशन प्रोवाइड होता है कि आपको वहाँ पे तो कोई कमी नहीं आ रही है, वहाँ पे तो कोई चेंजेस की ज़रूरत नहीं है। अगर मान सकते हैं ना ऐसा होगा कि आपने स्कूल में लाइब्रेरी प्रोवाइड करा रखी है लेकिन पूरे महीने में एक भी बच्चा आके लाइब्रेरी के अंदर नहीं बैठता, लाइब्रेरी में एंट्री नहीं होती कि बच्चा बुक्स लेता है, तो आप भी सोचोगे ना कि कौन सी कमी आ गई ऐसी कि लाइब्रेरी का यूज़ ही नहीं हो रहा, या तो बुक्स अच्छी नहीं है, या बच्चों से बात करोगे कि आप लाइब्रेरी क्यों यूज़ नहीं करते हो, आपकी जो एजुकेशनल की बुक्स है वो तो ठीक है लेकिन उससे अलग भी आपको कंटेंट कलेक्ट करने के लिए वहाँ पे अदर राइटर्स की भी बुक है। तो इसीलिए क्या है, बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड करनी या आप खुद को इवैल्यूएशन करने के लिए आपको बच्चों का इवैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आता है फॉर एजुकेशनल गाइडेंस यानी कि शैक्षिक निर्देशन। अब आप शैक्षिक निर्देशन बच्चों को कब प्रोवाइड करोगे, जब आपको पता चलेगा कि बच्चा उस फील्ड में कितना अच्छा है या कितना अच्छा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने क्लासरूम में जाके बच्चों से पूछा कि अच्छा मुझे बताओ कि फ्यूचर में सबके क्या क्या प्लान्स हैं, कौन क्या बनना चाहता है, तो आपको किसी ने बताया मैम मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैम मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, किसी ने कहा मैम मैं आपके जैसे टीचर बनना चाहता हूँ, तो आप उसको क्या है वहाँ पे गाइडेंस प्रोवाइड कराओगे, गाइडेंस गाइड करोगे ना उसको बच्चे को कि ओके आपको टीचर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, तो आपको 10th क्लास में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको साइंस साइड लेनी पड़ेगी, आपको कॉमर्स भी ले सकते हो एमकॉम, या फिर एमबीए कर सकते हो, बीबीए कर सकते हो, या आप टीचर के लिए आर्ट साइड भी ले सकते हो या बाकी अदर फील्ड से भी टीचर बन सकते हो, लेकिन कौन से सब्जेक्ट का टीचर बनना है वो भी आप उससे पूछ सकते हो। तो आप क्या करोगे, उसको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करोगे, उसकी हेल्प करोगे कि अभी वो कैसे मेहनत करे। अगर बच्चा बोलता है कि जिसको डॉक्टर बनना है कि मैम मुझे साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो मैथ्स अच्छी लगती है, तो आप उसको बताओगे कि बेटा अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको पहले साइंस अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, क्योंकि डॉक्टर के लिए आपको साइंस ही पढ़नी पड़ती है, फिर बायो पढ़नी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें क्या आप बच्चों को गाइड कर रहे हो कि हाँ वो भी सोचेगा कि अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो ये चीज़ें अभी स्ट्रॉन्ग करके चलनी पड़ेगी, नहीं तो फ्यूचर में अगर परसेंटेज अच्छी नहीं आएगी देन मैं उस फील्ड में नहीं जा सकता, ठीक है। तो आप बच्चे को एजुकेशनल गाइडेंस भी प्रोवाइड करा सकते हो, वोकेशनल गाइडेंस प्रोवाइड करा सकते हो कि आप उसके वोकेशनल से रिलेटेड, उसके करियर से रिलेटेड आप चीज़ें बता सकते हो, उससे अलग आप उसकी फिजिक्स से रिलेटेड, मतलब ऑल ओवर जो बच्चे के डेवलपमेंट के अंदर है मेंटली फिजिकली इमोशनली, उस सभी वेज में आप क्या है बच्चों को गाइड कर सकते हो बच्चे के इवैल्यूएशन के थ्रू, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है आपका फॉर अ गार्जियन यानी कि आपका अभिभावक के लिए इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। अब आपको पता है कि आपके जो पेरेंट्स हैं
वो आपको किस रूप में जज करते हैं या आपको कैसे इवेल्युएट करते हैं, जो आपका रिजल्ट कार्ड मिलता है उससे जज करते हैं ना. आप क्या करते हैं कि आपने क्लास पास आउट करी है, इतनी परसेंटेज आई है, कुछ भी, तो आप क्या करेंगे, जाके अपनी रिपोर्ट कार्ड क्या है पेरेंट्स को दिखाते हैं कि मम्मा ये मेरी रिपोर्ट कार्ड है 6th class की 7th की जो भी आपने क्लास पास आउट करी है. तो वो आपको देखेंगे कि 100 में से आपके कितने मार्क्स है, ओ वेरी गुड, आपके तो 70 अबव है, 90 मार्क्स अचीव किया, यानी कि ये सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा है, ठीक है. अगर किसी में आपके 38 की, मान लीजिए मैथ्स में आपके 38 आ गए, तो बोलेंगे मैथ्स में क्या कमी रह गई, आपने मैथ्स में क्यों नहीं मेहनत करी, बस 30 मार्क्स, कोई प्रॉब्लम है, ट्यूशंस लगा दूं मैं या फिर टीचर्स से बात करूं, उनका पढ़ाया हुआ समझ नहीं आ रहा. तो वहाँ पे क्या होगा, पेरेंट्स भी आपको अच्छे से जान पाएंगे इवेल्युएशन के थ्रू कि बच्चे के लिए कहाँ पे कौन सी कमी आ रही है, उसको एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है क्या नहीं, या फिर स्कूल में टीचर्स से बात करने की ज़रूरत है कि वो अपनी स्किल्स या मेथड्स को चेंज करे, कहाँ पे मैनेजमेंट में कोई कमी आ रही है या बच्चे में कोई प्रॉब्लम है कि वो फिजिकली वीक है, मेंटली स्ट्रांग नहीं है, ये सारी चीज़ें, ठीक है. तो ये थे आपके इम्पॉर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन, यानी कि आप इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन का कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हो. तो आप फॉर अ स्टूडेंट, फॉर अ टीचर, स्कूल मैनेजमेंट, एजुकेशनल गाइडेंस और फॉर अ गार्जियंस के लिए आप यूज़ कर सकते हो इवैल्यूएशन का, ठीक है. क्योंकि इवैल्यूएशन का जब तक आप यूज़ नहीं करोगे, आपको भी अपनी टीचिंग स्किल्स का पता नहीं रहेगा कि आपको कब क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कैसे नहीं पढ़ाना है, ठीक है. अब उसके बाद हम बात करेंगे कि इवैल्यूएशन की यानी कि मूल्यांकन के गुण क्या हैं, मीन्स इवैल्यूएशन की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक.